गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम व्याख्या करेंगे सूरदास के पद। इस प्रस्तुत पद हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग दो से लिया गया है। इसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने सूरसागर नाम की एक रचना लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें एक प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से ही ये पद लिए गए हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो श्री कृष्ण के मित्र हैं, वृंदावन में रहते थे श्री कृष्ण। वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियां उनका इंतजार करती हैं वापिस आने का। वे अपने मित्र उद्धव को भेजकर संदेश देते हैं कि वे योग साधना करें, लेकिन गोपियां सगुण भक्ति में विश्वास रखती हैं और उद्धव से उपालम देते हुए कहती हैं, उद्धव हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, भाग्यशाली तुम हो, अति अत्यधिक बड़भागी, बड़े भाग्य वाले भाग्यशाली हो, अपरस अलिप्त हो, रहत स्नेह तगाते, अपरस नीरस अछूता, रहत रह गए हो, स्नेह तगाते, स्नेह तगा स्नेह रूपी धागे से श्री कृष्ण के साथ रहते रहते भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। नाहीन मनोनुरागी, नाहीन और न ही तुम्हारा मन अनुराग से युक्त हुआ है, प्रेम से युक्त हुआ है। उनके साथ रहते हुए भी उनसे तुम प्रेम नहीं कर पाए हो। पूरी नी पात कमल का पत्ता, रहत रहता है जल भीतर, जल के अंदर, जल के अंदर कमल का पत्ता रहता है, कमल जल के अंदर रहता है। तारस देहन दागी, तारस उनके उसके रस के ऊपर, देह है उनके शरीर पर, न दागी किसी प्रकार का दाग नहीं लगता है, दागी दाग नहीं लगता है, फिर भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है। वह कीचड़ में ही रहता है कमल का पत्ता, और जल में ही रहता है। जो जल माह है तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार से जल माह है, जल में रहती है तेल की गागरी, तेल की गागरी मटका, तेल से भरा हुआ मटका जिस प्रकार जल में छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर कोई बूंद का असर नहीं होता, पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, ताको उसके ऊपर लागी नहीं लगती, कोई बूंद नहीं लग पाती। तेल से भरी हुई मटकी को जल में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद का भी असर नहीं होता है, नहीं लगता है, उसको चिपकता नहीं है। तुम्हारी स्थिति भी उसी प्रकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो। श्री कृष्ण के साथ रहते रहते प्रेम की नदी बहती है, उस प्रेम रूपी नदी में भी पाँव नहीं, नहीं पाँव पाए हो बोरियो डूब। प्रेम रूपी नदी में भी तुम डूब नहीं पाए हो। दृष्टि न रूप प्रागी, और दृष्टि आपकी जो दृष्टि है न नहीं प्रागी, मोहित हुई है रूप, रूप सुंदर। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, दिव्य सौंदर्य है उनके पास, उनकी सुंदरता से तुम्हारी दृष्टि भी मोहित नहीं हुई है, यानी तुम्हारी दृष्टि भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को पहचान नहीं पाई है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अबला हैं हम अबला हैं, भोरी हैं, भोली भाली हैं, हम अबला हैं और भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, गुड़ चाटी चींटी जो जिस प्रकार पागी फंस जाती हैं, पाँव फंसा लेती हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हमारी स्थिति तो उस चींटी जैसी है, हम तो भोली भाली हैं, अबला हैं,
और हमारी स्थिति उस चींटी जैसी है जो गुड़ गुड़ खाने के लिए जाती है और उसी में फंस जाती है। गुड़ खाने के लिए जाती है, निकल नहीं पाती है, उसी में अपने पांव फंसा लेती है, स्वयं फंस जाती है। हम भी ऐसी भोली भाली हैं, अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं और उनके प्रेम से बाहर नहीं आ पाती हैं, आ नहीं सकती हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति काल का वर्णन है, शैली ज्ञात्मक है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, स्थाई भाव रति है, व्यंग्य भाव झलकता है। इसमें बहुत ज़्यादा गोपियां हैं, कटाक्ष करती हैं उद्धव के ऊपर, व्यंग्य कसती हैं। इसकी भाषा सरल है, स्पष्ट है, ब्रज भाषा है। गुर चाटीजों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रीति रूपी नदी जो जल माह तेल की गागरी, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा स्नेह रूपी धागा में भी रूपक अलंकार है, नाहिन मनोरागी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद हम कल करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पद हिंदी पाठ्यपुस्तक सीरीज भाग 2 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इस पद में, इन पंक्तियों में गोपियां आपस में बातें कर रही हैं और उद्धव से कह रही हैं कि हमारी जो बातें थी वो मन की मन में ही रह गई। क्यों कहती हैं? क्योंकि वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण, गोपियों को वृंदावन में ही रहना पड़ता है। उनके विरह में रात दिन श्री कृष्ण को याद करती हैं, उनका इंतजार करती हैं और सोचती हैं कि श्री कृष्ण एक दिन हमें मिलने आएंगे तो हम अपने मन की स्थिति उन्हें बताएंगे, अपनी अपनी बातें उनको बताएंगे और हमारे मन का जो विरह है, दुख है, वो दूर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि श्री कृष्ण वापस नहीं आए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव के हाथ अपना संदेश भेज दिया, योग संदेश गोपियों के लिए। उस समय गोपियां क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ। मांझ का अर्थ होता है में या अंदर। कहते हमारे मन की जो बातें हैं वे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो नाही परत कही, कही जाई, कही कहिए कहाँ पर जाई जाएं, कौन पे और किस को बताएं उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं और किस को बताएं। ना ही परत कहीं, ना ही और ना ही परत कहीं, कहीं जा सकती हैं, परत पड़ती हैं, कहीं जा सकती हैं और न ही प्रेम की बात किसी से कही जा सकती है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति इतनी अत्यधिक, बहुत अधिक प्रेम करती हैं, इतना अधिक प्रेम करती हैं, उसके प्रति इतनी लगन है, इतनी उसकी भक्ति में लीन है कि वे अपनी बात किसी और को नहीं कहना चाहती। श्री कृष्ण के प्रेम की बात श्री कृष्ण को ही बताना चाहती हैं। कहती हैं कि कहिए जाए कहाँ जाएं, कौन पे और किसको बताएं उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, हम अपनी बात किसको बताएं और कहाँ जाएं। ना ही परत कहीं और प्रेम की बात तो किसी और से कही भी नहीं जा सकती। अवधि ऐधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अवधि समय, आधार आधार सहारा, आस
आवन की आने की आस आशा, किसके आने की आशा, श्री कृष्ण के वृंदावन वापिस आने की आशा। तन और मन में बिथा व्यथा दुख सही सह रही है। कहती है उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के आने की जो बाट थी, जो अवधि थी, जो समय था, इंतजार था, उसी के सहारे जी रही थी। आधार थे, वही हमारे जीने का आधार था, वही हमारे जीने का सहारा था। आस आवन की, उनके आने की आशा को लिए हुए, उनके आने की आश को लेकर हम तन और मन में दुख सहन कर रही थी, दुख काट रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिणी बिरह दही। अब इन ये योग संदेशनी संदेश सुनी सुनी सुन सुनकर बिरहिणी बिरह में वियोग में जलने वाली नारियां, बिरह वियोग दुख, किसी प्रेमी के बिछुड़ने का जो दुख है उसको बिरह कहते हैं। दही जलना, दहन होना, जलना, विरह रूपी आग में जलना। कहते कि अब ये योग का संदेश सुन सुनकर गृहिणियाँ जो वियोग से तड़प रही हैं, जो नारियाँ गोपियाँ, वे विरह रूपी आग में जलने लगी हैं। चाहती होती गुहारी जीत ही तें उतते धार भई। कहती कि देखो हमारा कितना दुर्भाग्य है, हमारा भाग्य कितना बुरा है कि चाहती होती चाहती थी गुहारी, रक्षा के लिए गुहार लगाना, गुहार लगा रही थी, जिधर से हमें प्रार्थना कर रही थी, जिसे हमें रक्षा की आशा थी, प्रेम के आने की आशा थी, जीत ही तें उसी तरफ से, जीत ही तें जहाँ से उतते उत से वहाँ से धार, योग की प्रबल धारा, योग की जो धार है वो वही बहने लगी है। चाहती होती गुहारी जीत ही तें, जिस तरफ से चाहती होती चाहती थी गुहारी, रक्षा की गुहार जिनको हमने लगाई थी, उसी तरफ से योग की प्रबल धारा बहने लगी है। अर्थात जिस तरफ हम तैर कर जाना चाहती थी, उसी तरफ से प्रबल जल की धारा विपरीत दिशा में बहने लगी है। अर्थात जिस तरफ से हमें प्रेम के आने की आशा थी, उस तरफ से हमें क्या मिला, योग का संदेश प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं, अब धीर धरी क्यों उम्र ज़्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, अब धीर धरी क्यों, क्यों कैसे, अब धीर धैर्य धरही धारण करें, अब धैर्य को कैसे धारण करें, मर्यादा न लही। अब तो हमारे पास मर्यादा भी नहीं रही, मर्यादा मर्यादा भी नहीं रही है, क्योंकि हमने श्री कृष्ण के प्रेम में लोक लाज मर्यादाएं सब त्याग दी हैं, और मर्यादा श्री कृष्ण ने भी त्याग दी है, क्योंकि प्रेम की एक मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। उन्होंने भी योग का संदेश भेजकर और हमें वापिस न मिलकर आकर न मिलना मर्यादा को का उल्लंघन करता है। मर्यादा उन्होंने भी लांघ दी है, उन्होंने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है। अब तो ना हमारे पास मर्यादा बची है, ना उनके पास मर्यादा रही है। अब धीरे धरी क्यों, अब हम क्या धैर्य धारण करें, बचा ही क्या है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग है, सरल और स्पष्ट है इसकी भाषा, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, गीत शैली का प्रयोग हुआ है। इसको गीत की तरह गाया भी जा सकता है। वियोग श्रृंगार रस है, तन और मन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, तन मन बिथा सही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उतते धार बही
में है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भक्ति काल का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रभामयता है, लाक्षणिकता है, वो लक्षण सभी हैं इसमें जो एक कविता में होने चाहिए। हमारा दूसरा पद पूर्ण होता है, तीसरा पद हम कल करेंगे।